मेरा नाम है पीयूष राय, आप देखें क्वेश्चन आर भारत। आज हम लोग बात करेंगे कि जो बंगाल में पॉलिटिक्स चल रही है, जो चुनाव आने वाले हैं, जो आप देख रहे हैं कैसे उथल पुथल चल रही है, विधायक छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर अटैक भी हो रहे हैं छोड़ के जाने के बावजूद। यू नो, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि अगर तुम मेरी पार्टी से रिज़ाइन करोगे और दूसरे के साथ मिल जाओगे तो तुमको मरवा देंगे, उस टाइप की पॉलिटिक्स चल रही है। तो ये सब तो न्यूज़ का हिस्सा आप सबको पता ही होगा। आज थोड़ी डिफरेंट बात पर चर्चा करते हैं। अगर आप लोग बंगाली हों, भाषा समझ सकते हैं, अच्छे से सहमति रखते हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। और अपना ओपिनियन कमेंट में बताइएगा कि मेरी किस बात से आप कितनी सहमति रखते हैं और कितना असहमत हैं। बंगाल में ममता बनर्जी क्यों होनी चाहिए और मोदी क्यों होना चाहिए या क्यों नहीं होना चाहिए, इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि मोदी मतलब मोदी इन द सेंस कि भाजपा, मोदी तो खुद हर जगह नहीं बैठ सकते, सेंटर में है तो हर जगह थोड़ी बैठ सकते हैं, लेकिन हाँ आइडेंटिफिकेशन वैसे ही किया जाता है, कैटेगराइजेशन कि मोदी लड़ रहे हैं या ममता लड़ रही हैं। अब आज हम लोग कुछ कोर मुद्दों पे बात करेंगे जो डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन बंगाल के लिए ज़्यादा सही। बात करते हैं वहाँ की जनता की। तो ममता दीदी क्यों सही हैं? ममता दीदी इसलिए सही हैं कि वहाँ की जनता उनसे बहुत खुश रहती है, उनकी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से इतना अपीज करके रखा उन्होंने कि बहुत ज़्यादा तादाद में रोहिंग्याओं को वोटर आईडी, यू नो आधार कार्ड, ऐसे एलिगेशन हैं, और ज़मीनें दे देना, मतलब उनको परमानेंट बनाने की पूरी कोशिश ताकि वो उनका वोट बैंक बन पाए। लेकिन इतने भी खुश नहीं है वहाँ की मुस्लिम जनता। बंगाल में आपने 10,000 मदरसा शिक्षकों की भर्ती की बात की थी, 2,500 को आपने भर्ती किया और 5 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। उन्होंने कलकत्ता में प्रदर्शन किया अपनी नौकरी की तनख्वाह के लिए, तो उन पर लाठियां चार्ज की जा रही हैं, उनको मारा जा रहा है। आप मुसलमान का वोट चाहते हैं, लेकिन आप मुसलमानों को ना तो हक देना चाहते हैं ना सत्ता में भागीदारी देना चाहते हैं। ये कैसे चलेगा? अब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब वोट भी हमारा और राज भी हमारा। अब इस तरह से बात होगी, अब बराबरी की बात होगी, हुकूमत की बात होगी। अब दबेंगे नहीं आपसे, डरेंगे नहीं आपसे। तो वकार साहब ने आरोप लगा दिया है कि आप पिटवाते हैं हमारे जो भी मदरसा के टीचर हैं, उनको वेतन नहीं दे रहे हैं 4-5 साल से। तो इसके हिसाब से वहाँ की जनता खुश नहीं, और वो चाहती है कि अगर हमारा आप वोट बैंक, साफ साफ बोल दिया आप वोट भी लोगे और हमें फ़ायदा भी नहीं दोगे, तो अब वोट भी हमारा होगा, सत्ता भी हमारी होगी, अब हुकूमत की बात चलेगी। मतलब वहाँ की मुस्लिम आबादी भी इनसे कुछ खास खुश नहीं नज़र आ रही। अब बात कर लेते हैं मोदी की। लोग मोदी को मुसलमानों का दुश्मन समझते हैं, लेकिन जब से CAA NRC ऐसा कुछ भी जब से आ रहा है और जब से कहा गया कि मोदी के आते ही मुसलमानों का तो सफाया हो जाएगा, मास किलिंग हो जाएगी, मास एग्जोडस होगा, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। मुझे कोई एक केस बता दे कि CAA NRC में जब से बिल आया, जब से एक्ट बन चुका है वो, तब से कुछ भी ऐसा हुआ कि किसी की सिटीजनशिप खतरे में पड़ गई हो। और जो जेन्युइन केसेस हैं जिनकी खतरे में पड़ जानी चाहिए, जो वाकई में इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, तो भाई उनको तो कोई देश नहीं रखना चाहता, तो हम लोग भी क्यों रखें। तो ये रही मुसलमानों की बात, और हिंदुओं की बात तो कह ही सकते हैं भाई। जय श्री राम बोलने पर ममता दीदी बंगाल में खुद गाड़ी रोक के वहाँ पर उनको डांटती हैं, अरेस्ट करवा देती हैं। जय श्री राम बोलने पर बंगाल में बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो हिंदुओं को भी तकलीफ है ममता से, मुसलमानों को भी तकलीफ है ममता से, तो कौन बचा? अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, कल्चर। किसी भी जगह का कल्चर पॉलिटिक्स को बहुत अफेक्ट करता है कि आप किस तरीके से उस जगह को आगे लेके जा रहे हैं, कल्चर और डेवलपमेंट, तमाम चीज़ें। तो अभी तक जो ममता दीदी का राज चल रहा है, और आपको पता है कि बगली में बांग्लादेश है, और आपको पता है कि कैसे इन्फिल्ट्रेशन होते हैं, आपको पता है कि कैसे लाखों की तादाद में पशु होते हैं, उनका जो ट्रेड होता है, जो इल्लीगल ट्रेड होता है, जो तारों के आसपास से लेके चले जाते हैं, तो कल्चर तो तबाह हो ही रहा है इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, डेमोग्राफी के बदल जाने की वजह से कल्चर तो तबाह हो रहा है। क्योंकि आप दुर्गा पूजा निकलवाने के लिए आपको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, हिंदुओं को अपने प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए बहुत सोच समझ के वहाँ पे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे बंगाल का कल्चर जैसा कुछ बचा नहीं रह गया। और आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में, मतलब मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी से स्ट्रांगली एग्री करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि वही पैमाने दूसरी जगह भी लगे, तो आपको वो बातें खुल के बतानी चाहिए और उस पर डिबेट एटलीस्ट करनी चाहिए।
मेरे कह देने से वो चीज़ें हो नहीं जाएंगी, लेकिन अगर मैं किसी बात को आपके सामने रखूँगा, आपको उसमें तर्क नज़र आता है, आप उससे विभिन्न थॉट प्रोसेस रखते हैं, आप अपनी बात कमेंट में कहिए, हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैं यूपी की बात कर रहा था, आपको यूपी में पता है कि कैसे किस तरीके से मेंटेनेंस चल रहा है। योगी जी कल्चर को लेके, डेवलपमेंट को लेके, हारमोनी को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आप लोगों को पता है कि दंगे ना के बराबर हैं, आप लोगों को पता है कि कोई रिलीजियस दंगे, किसी भी तरह का कल्चरल डिस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं चल रहा है, एकदम ना के बराबर। अगर कुछ घटना होती है तो उस पर एक्शन इतनी जल्दी ले लिया जाता है कि मुद्दा बने ना बने, लेकिन एक्शन तो बहुत जल्दी से ले लिया जाता है। और भाजपा का हमेशा से मोटो रहा है कि जो भारत का इंडिक कल्चर, जो वैदिक कल्चर है, उसको वो प्रिवेंट करेगी, उसको बचा के रखेगी, उसको सिक्योर करके रखेगी हर तरह के आक्रांताओं से। तो उसके लिए वो चाहे जिस हद तक जाएगी वो जाएगी। तो आप कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में, जो जो व्यक्तिगत आज़ादी है उसके मामले में अगर आप देखें, तो यहाँ थोड़ा मोदी जी को प्लस पॉइंट मिल जाता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। जिस तरीके से, मतलब मुझे टर्म्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, शायद मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहता इसलिए, जिस तरीके से डेमोग्राफी का बदलाव हो रहा, जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा, जिस तरीके से मुसलमानों की तादाद बंगाल में बढ़ती जा रही, फिर आसाम में बढ़ती जा रही, और आपको पता नहीं हुआ कि भारत के 6 राज्यों में और एक दो यूटीज़ में शायद हिंदू माइनॉरिटी में जा चुका है। मतलब भारत में, हिंदुस्तान में हिंदू कुछ राज्यों में माइनॉरिटी में जा चुका है, और उसके स्टेटस से संबंधित हाई कोर्ट में बात चल रही है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। तो आपको नहीं लगता कि एक खतरे की घंटी है जो लगातार बंगाल की तरफ लटक रही है, कि अगर वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हुई, पूरी तरह से अगर चेंज हो गई, तो उसको पाकिस्तान बनते, बांग्लादेश बनते देर नहीं लगेगी। अगर वहाँ पे मुसलमान आबादी, मुझे नहीं पता अभी कितने क्या आंकड़े हैं, एग्जैक्ट क्या आंकड़े हैं, सेंसस होंगे पता चल जाएगा, वो होने नहीं दिया जा रहा, ऊपर से कोरोना आ गया था, तो जो रिसेंट के आंकड़े जब होंगे पता चलेगा कि कितना क्या प्रपोर्शन है हिंदू मुस्लिम का, क्योंकि सारी लड़ाई वही है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी की लड़ाई नहीं, हिंदू मुस्लिम की ही लड़ाई है। तो जैसे ही पता चलेगा, तो आप ये समझ पाएंगे कि जैसे ही मुस्लिम आबादी अपने आप को एक पर्टिकुलर नंबर से ज़्यादा पाती है, तो पाकिस्तान में क्या कर चुकी है वो ऑलरेडी, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आबादी बढ़ी है वहाँ वहाँ, जैसे इजिप्ट ले लो, तमाम ऐसी जगह जहाँ पर उनकी कल्चरल आइडेंटिटी पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और है। इजिप्ट तो दूर की बात, चलो बोल दी मैंने, हमारा ही पाकिस्तान ले लो, वो भी तो भारत था, भारत का इतना बड़ा हिस्सा था, जब कट के पाकिस्तान बना तो वो क्या बन गया, वो जब मुसलमान मेजॉरिटी में आया तो उसने क्या किया, उस मुसलमान ने, उस वहाँ की आबादी ने, वहाँ के प्रिंसिपल्स ने, वहाँ के इस्लाम ने पूरी कोशिश की कि वो जो हिस्सा हमने भारत से ले लिया है, जो इस्लाम का कब्जा उस हिस्से पर हो चुका है, उसको पूरी तरह से भारत से तोड़ दें, पूरी कोशिश जारी, और कहीं शांति नहीं, किसी भी इस्लामिक कंट्री में शांति नहीं चल रहा है काम। तो उसी तरीके से अगर बंगाल में हुआ, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगला डर आपको ये सताएगा कि बंगाल भारत के हिस्से से टूट के अलग हो जाए और पूरे बांग्लादेश में मिल जाए, या फिर एक सेपरेट कंट्री बन जाए? ये कभी भी पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल। जैसे कश्मीर की मांग चल रही थी, जैसे पंजाब में खालिस्तान की मांग चल रही है, पाकिस्तान वाले पंजाब में ये मांग चल रही है कि भारत वाला पंजाब लिया जाए, बेवकूफ़ों की हद देखो। खैर, तो वेस्ट बंगाल को भारत में इंटैक्ट रखने के लिए डेमोग्राफी की वजह से कुछ वो उथल पुथल ना हो जाए जिसका डर है, तो उसको बचाने के लिए किसकी सत्ता जरूरी है? क्योंकि अभी तक आपने एक विचारधारा की सत्ता को एक्सपीरियंस किया है, आप अपीजमेंट से मारे गए हैं, आपने हर तरह के हक खोए हैं, आपने अपनी फ्रीडम खोई है, आप जय श्री राम नहीं बोल सकते, आप खुल के दुर्गा पूजा नहीं, जिस जो बंगाल पूरे भारत में दुर्गा पूजा के लिए प्रसिद्ध है, जैसे होता है ना हर रीजन, जैसे महाराष्ट्र में गणपति पूजा होती है, बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, उसी तरीके से बनारस काशी में शिव जी, मतलब अलग अलग जगह के लिए अलग अलग चीज़ें, मतलब आइडेंटिटी है वहाँ की। तो और बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं हो सकती, और जो हद तो हुई कि बंगाल में दुर्गा पूजा के टाइम नमाज बज रही थी, और नमाज के टाइम अगर आरती बजा दी जाए तो क्या होगा, कभी किसी ने सोचा है? दुर्गा पूजा में नमाज भजना सेकुलरिज्म है, लेकिन नमाज पढ़ते वक्त कोई मोबाइल से या कैसे भी आरती या भजन या आरती की थाली लेके कुछ पहुंच जाए, कुछ कर दे, पूजा कर दे मस्जिद में, कुछ कर दे, तो कितना बड़ा कलेश होगा, आप सोचिए। और आखिरी पॉइंट जो डेवलपमेंट का है, जो वाकई जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, हर चीज़ बंगाल कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है मुझे नहीं पता, जिस बात को मुझे नहीं पता मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं पता कर लूँगा। लेकिन आपको क्या ये बात नहीं पता है कि सेंटर और स्टेट में अगर गवर्नमेंट सेम होती है, सेम आइडियोलॉजी की होती है, सेम पार्टी की होती है, तो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। जैसे सेंटर और स्टेट यूपी में
सेम है कई राज्यों में, मतलब यूपी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने सेंटर की हर उस स्कीम को, हर उस स्कीम को ढंग से पूरी ताकत से लागू किया है, सारे फायदे उठाए हैं, सारी प्रायोरिटीज अपने स्टेट को दिलाई है और अच्छे से लागू करवाए। अगर ये केस बंगाल में नहीं हुआ तो ममता दीदी की लड़ाई तो आप समझ ही सकते हैं। वो जब होम मिनिस्टर को लैंड निकलने देती है, जब रैलियां रुकवा देती है, जब भाजपा के नेताओं पे पत्थरबाजी करवा देती है, तमाम चीज़ें वो मान के चलती कि मेरे बंगाल में कोई इंटरफेरेंस ना करे, तो आप समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट का स्तर क्या होगा। उसको कोई स्पेस से या किसी और देश से तो धनराशि या मदद तो ऐसे तो नहीं मिलेगी कि बंगाल किसी और देश का हिस्सा है वो मदद करेगा तो बंगाल ग्रो करेगा, समझ रहे हैं? तो फिर भविष्य में बंगाल को अपनी एक सेपरेट एंटिटी की मांग करने लग जाएंगे वो लोग कि हम ऐसे काम नहीं चला पा रहे, हमारे सेंटर से नहीं बन रही है। तो ये थे 3-4 पॉइंट। मैं चाहता हूँ इन चारों पर विचार करिए। किसी बात का तर्क है तो आप तर्क रखिए, हम बात कर सकते हैं। अब मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम पे 1-on-1 या लगभग मैक्स मैक्स 3 का ऑप्शन है, एक मैं हो सकता हूँ, 2 आगे से लोग हो सकते हैं, एक साथ हम लोग लाइव बहस कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम पे ये रखूँ, हर संडे संडे या हर कुछ एक इंटरवल पे रखते हैं, ताकि इंस्टाग्राम पे भी लोग एक्टिवली जुड़े रहें। तो वहाँ बात कर सकते हैं आप लोग, वहाँ फॉलो कर सकते हैं मुझे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। किसी भी तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं आप, बिल्कुल करिए, मैं चाहता हूँ आप करिए, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ और बहुत लोग कहते हैं, अगर आप स्टैंड ले सकते हैं तो लीजिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, लिख सकते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म में लिखिए, खुद ओपिनियन दे सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं, कुछ मीडिया वाला कुछ भी जो काम जो आप कर सकते हैं करिए। लेकिन अगर आप इन सब में से कुछ नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ में बिजी रहना चाहते हैं, लेकिन आपके दिल के किसी कोने में ऐसा लग रहा है कि मुझे भी सपोर्ट करना है, तो जो ये सब काम कर रहा है, मान के चलिए कि आपके बिहाफ पे भी वो कर रहा है, तो आप उसको फाइनेंशियली मदद करिए। जिस तरीके से आप उसको पुश दे सकते हैं पुश दीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके खुद के सेंसेस में ही होना चाहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और ये नहीं कहता कि मुझे ही दीजिए, आप जिसको देना चाहें, आपको जिसका काम सार्थक लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि आपके पैसे से, आपके किसी भी समर्थन से अगर वो आगे बढ़ सकता है, उसके मकसद को आप अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, तो आप समर्थन करें। क्योंकि अगर आतंकवादियों को, जिहादियों को, माओविस्टों को, कम्युनिस्टों को, जितने सेपरेटिस्ट हैं, एंटी नेशनल्स हैं, सबको फंडिंग्स मिलती हैं अपना एंटी इंडिया एंटी हिंदू एजेंडा ग्रो कराने के लिए, उसको पुश देने के लिए, और आप प्रो इंडिया वाले प्रो हिंदू वाले को कुछ नहीं करेंगे, कैसे काम चलेगा? तो इसीलिए एंटी इंडिया फोर्सेस एंटी हिंदू फोर्सेस बहुत बड़ी तादाद में हैं, और प्रो इंडिया प्रो हिंदू वाले अगर हैं भी तो इतने मिनिमल तादाद में हैं कि उनका होना ना होना लगभग बराबर होगा, क्योंकि हिंदू के पीछे हिंदू अगर खड़ा नहीं होगा तो कौन खड़ा होगा? इस बात पर स्वयं विचार करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो, हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है।